सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो है मैं आया हूँ बेल्जियम वफल फैक्ट्री। ये जो बेल्जियम वफल फैक्ट्री है, आपको ये लोकेशन मैं बता दूँ पहले कहाँ पे है। ये जो लोकेशन जो है ये आपको लखनऊ में मिलेगा। अगर आप लखनऊ के इधर क्या कहते हैं तेलीबाग हो गया, साउथ सिटी हो गया, पीजीआई हो गया, वृंदावन हो गया, अगर आप इस एरिया में अगर आप हैं तो आप यहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आप जोमेटो स्विगी पे भी इसका ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ, वीडियो शूट करूँगा, आपको दिखाऊँगा यहाँ पे वफल मेकिंग, आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, ठीक है। पैन केक मेकिंग है वो दिखाने वाला हूँ, और शेक जो है ओरियो शेक मैं यहाँ पे ऑर्डर करने वाला हूँ, जो आपको इसमें कवर करके मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और इसका जो टेस्ट है मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा इसे, ठीक। तो यहाँ इस जगह का मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ का जो गूगल मैप का जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ का जो है आउटर और इंटीरियर साइड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं वो मैं आपको इसमें कवर करके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये वीडियो पहले देखिए। दोस्तों, आपको ये यहाँ का बेल्जियम वफल फैक्ट्री का जो इंटीरियर और आउटर मैंने आपको दिखाया इंटरफेस यहाँ का, काफ़ी अच्छा लगा आपको। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है हम पैनकेक ट्राई करेंगे, ठीक। उसके बाद जो है हम शेक ट्राई करेंगे, और उसके बाद जो है हम वफल जो है वो भी ट्राई करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक, और देखते रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जो हम सबसे पहले जो ट्राई करने वाला है वो है पैनकेक। देखिए भैया जो है पैनकेक जो है बनाने जा रहे हैं। पैनकेक की साइज़ जो देखिए आप दोस्तों, काफ़ी बड़े साइज़ में है। इस साइज़ के पैनकेक आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ये सिर्फ आपको बेल्जियम वफल फैक्ट्री में ही मिलेगा। और इसको बनने में दोस्तों लगभग जो है 6 मिनट का समय लगेगा। 6 मिनट में जो है ये पैनकेक हमारा जो है बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों हमारा पैनकेक जो है लगभग जो है अभी 3 मिनट हो गया, अभी ये हाफ जो है पक चुका है। अब जो है दोस्तों भैया जो है पैनकेक को जो है एक साइड से पलट देंगे ताकि जो है ये अच्छे से पक जाए। और ये देखिए कितने अच्छा जो है इसका कलर हो चुका है, ब्राउनिश कलर में ये आ गया है। और इसका मतलब यही हुआ कि ये हाफ जो है पक चुका है और एक साइड से जो है ये पकना रह गया है, तो उसको भी सेम इसी कंडीशन में पका लेंगे, ठीक है। दोस्तों हमारा पैनकेक जो है ऑलमोस्ट जो है रेडी हो चुका है, पक चुका है। देखिए कलर देखिए काफ़ी अच्छा खिल के आया है ये। दोस्तों अब जो है पैनकेक रेडी हो गया है, भैया पैनकेक को प्लेट में अच्छे से सजा देंगे इसको। दोस्तों अब जो है यहाँ पे डार्क चॉकलेट जो है ऊपर से ये लगाया जाएगा। और ये देखिए देखिए लगाने का तरीका देखिए आप, यहाँ पे काफ़ी यूनिक स्टाइल में इसे लगाया जा रहा है।
जैसा कि आप सब देख सकते हैं, और इतने ज़्यादा क्वांटिटी में डार्क चॉकलेट लगाया जा रहा है। देखते रहिए आप, पहले ये देखिए, ये देखिए पूरा जो है इसको पैनकेक को जो है डार्क चॉकलेट से जो है फिल कर देंगे। अब जो है नेक्स्ट स्टेप है वो वाइट चॉकलेट लगाया जाएगा। वाइट चॉकलेट ये देखिए, ये हमारा वाइट चॉकलेट आ गया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो है डार्क चॉको चिप डाला जाएगा यहाँ पे। ये देखिए डार्क चॉको चिप यहाँ पे डाला जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे चॉको चिप डाला गया, और ये वाइट चॉको चिप आ गया यहाँ पे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे वाइट चॉको चिप है ये। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दोनों ब्लैक और वाइट चॉको चिप है, और ये दोबारा जो है डार्क चॉकलेट यहाँ पे आ गया ऊपर से एक बार, और इतने ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और ये हमारा जो है पैनकेक रेडी हो चुका है, बनके तैयार हो गया, और अब हम इसे ट्राई करेंगे। सो गाइस, पैनकेक जो है हमारा बनके तैयार हो गया है। ठीक, अब बारी आ गई है, अब इसको टेस्ट करके हम बताएंगे कि ये कैसा है बना हुआ है। ठीक है, ये आया पैनकेक हमारा, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसमें चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में चॉकलेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको यहीं पे मिलेगा। अगर आप इधर आते हैं तो विज़िट कीजिए इस बेल्जियम वॉलफर्ट फैक्ट्री पे आकर के। यहाँ पे रेवलेरी रोड पे ही है, ये डेंटल के ठीक बगल में ही है। आपको मैं एड्रेस जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप वहाँ पर गूगल करके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ओरियो शेक बनने जा रहा है, और ओरियो शेक बनाने के लिए जो है हमारे हम जो आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं वो वेनिला आइसक्रीम है। यहाँ पे वेनिला आइसक्रीम का यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको वेनिला आइसक्रीम पसंद नहीं है, अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद है तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा, आप उसका भी आप शेक यहाँ पर बनवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों देखिए यहाँ पे ओरियो जो है ओरियो बिस्किट के यहाँ पे एक एक करके जो है यहाँ पे डाला जा रहा है, और वो हमारा ओरियो शेक यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्वांटिटी में ओरियो डाला जा रहा है, और यहाँ पे दोस्तों हैंड ब्लेंडर से जो इसे अच्छे से जो है इसे मिक्स करेंगे, ताकि जो है हमारा ओरियो और आइसक्रीम जो पूरा अच्छे से जो है मिक्स हो जाए, और हमारा शेक जो है अच्छे से बन के तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कितने अच्छे से भैया जो है इसे मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं कि भैया जो है यहाँ पे चॉकलेट सिरप जो है वो ग्लास के इनर साइड में साइड से इसको लगा रहे हैं, ताकि इसका जो आउटर लुक जो है काफ़ी अच्छे से निकल के आए, और इसका फ्लेवर भी चॉकलेट सिरप का अच्छे से आए। और ये आ गया हमारा ओरियो शेक, जो हमने आइसक्रीम और ओरियो का यहाँ पर ग्राइंड करके बनाया गया था वो इसके अंदर आ गया। ये देखिए जो चॉकलेट सिरप जो है ग्लास के साइड से देखिए कैसे दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, यहाँ पे भैया जो है क्रीम लगाएंगे यहाँ पे, पूरा इस ग्लास को जो है भैया साइड से जो है इसको पूरा जो है इसको फिल कर देंगे अच्छे से, पूरा का पूरा जो है इसे कवर कर देंगे, ढक देंगे। ये देखिए पूरा ये कवर हो चुका है हमारा आइसक्रीम क्रीम से जो है। और दोस्तों आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हो कि भैया जो है ओरियो के बिस्किट जो हैं वो हाफ हाफ टुकड़ों में करके इसको अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं, और अच्छे से इसको सजा दे रहे हैं। और नेक्स्ट है देखिए, ये हमारा सिरप आ गया, चॉकलेट सिरप जो है इसके ऊपर से जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसको लगाया जा रहा है, हर सिरप डाला जा रहा है इस पर, और काफ़ी देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये शेक हमारा। दोस्तों हमारा ओरियो शेक जो है वो बनके तैयार हो गया है, अब हम इसे जो है ड्रिंक करेंगे और आपको बताएंगे कैसा बना है। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं, तो चलिए बहुत ही बढ़िया बना है, काफ़ी इसमें जो है ओरियो बिस्किट का जो है फ्लेवर इसमें आ रहा है बिस्किट का। ठीक है, और ऊपर भी ओरियो बिस्किट लगा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कब आते हो। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, विजिट ज़रूर कीजिए यहाँ पे आकर के। ठीक,
गाइज हमारा जो है अभी वफल बनने वाला है कॉफ़ी मोचा, ठीक। तो भैया बनाएंगे अभी, हम इसका आपको मेकिंग दिखा रहे हैं कैसे बनता है। ये देखिए ये पैन में आ गया है, ये पलट दिया गया इसको। कितना टाइम लगेगा भैया इसमें? सिक्स मिनट्स लगेगा। ओके, 6 मिनट में जो है ये दोस्तों बनके जो है तैयार हो जाएगा, ठीक। दोस्तों देखिए जो हमारा जो वफ़ल जो है वो बनके तैयार हो गया है, ठीक। अब इस पे भैया क्या क्या डालने वाले इसके ऊपर? चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट हो गया। अच्छा ये पड़ेगा, हाँ, कॉफी फिल्स ये पड़ेगा। दोस्तों जो वफ़ल में फिलिंग किया जाएगा वो है चोको फिलिंग कॉफ़ी, इसका यूज़ किया जाएगा। क्रिस्पी हो गया ये तो, ऐसा है। अब हमारा जो है चॉकलेट आ गया यहाँ पे, डार्क चॉकलेट जो इस पर फिल किया जा रहा है। वफल्स को जो है पूरा चॉकलेट से जो है ये कवर कर देते हैं। इसके ऊपर भी लगेगा कॉफी भी। गाइस वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप देखते रहो, इंजॉय कीजिए आप सब। ये आ गया हमारा रेडी। तो दोस्तों देखिए बनके जो है ये तैयार हो गया है, अब जो है हम इसे खाएंगे और इसका टेस्ट आप सबको बताएंगे कि कैसा बना हुआ है ये। तो दोस्तों हमारा जो है कॉफ़ी मोचा जो है वो बनके तैयार हो गया वफ़ल, ठीक। अब इसे हम जो है टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसा बना हुआ है, ठीक है, टेस्ट इसका कैसा है। वफ़ल जो है क्रिस्पी लग रहा है, चॉकलेट आप फ्लेवर समझते हो, चॉकलेट का फ्लेवर है और ये जो क्या था कॉफ़ी का भी फ्लेवर है इसमें, नामी है कॉफ़ी मोचा। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक। मैं खाते हुए बोल नहीं पाया, मुंह जो है चॉकलेट से जो है पूरा बंद गया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक। दोस्तों अगर आप भी यहाँ का बबल्स हो गया या फिर शेक हो गया, ठीक, आप जो भी ट्राई करना चाहते हैं यहाँ पे, जो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जो जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, अगर आप भी इस चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार विजिट कीजिए बेल्जियम वफ़ल फैक्ट्री, जो कि आपको ये रायबरेली रोड पे मिल जाएगा। आपको ये डेंटल के ठीक आगे है, गोली वड़ा पाव जो है उसके ठीक बगल में ही, जस्ट, ठीक है, पीजीआई के रास्ता जो जाते हैं आगे की तरफ, डेंटल से जो पीजीआई की तरफ रास्ता जो जा रहा है उसी साइड पे है ये, ठीक। मैं डिस्क्रिप्शन में
इसका मैप का लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे विजिट कीजिएगा, ठीक है। और आपको ये अवेलेबल मिल भी जाएगा स्विगी पे, जोमेटो पे, ठीक, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो आप। तो मैं इसका मज़ा लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।